ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ 300 ਆਈ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਐਸੇ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬਸ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ 300 ਆਈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਚ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਮਰਾਂ ਚ ਨਾ ਫਸੋ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋਖਾ ਨੇੜਿਓ ਮੁਕਾਵਾਂ अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ना 300 बारी मन्नत मननी है जे रब पुत्र देवे तो ना रखना है मोहम्मद अली जे रब जी देवे ना रखना है नूर फातिमा ये मन्नत मन गए उच्चा बोलो ओ भाई मन्नत मैं ना मना रहा है मैनू 1000 रुपया देना है मैं तां ही तुहाडे नहीं आवणा मैनू कित्थों 1000 देना है ए मन्नत मनो तवज्जो जी तवज्जो के फरमाने अब बेटियां वाले भी गल कर दिया वो अल्लाह करम करेगा उन्होंने मैं सारे एक वजीफा दसन लगा कम सीधा हो जाए पूरे पिंड च बरकत हो जाए तमाशा तो तको तुम बह तो जाओ जरा अच्छा संगी हो तुसा वादा कर दियो 300 बारी इसका गुरेला पढ़ो भाई ये ध्यान कर कुरान शरीफ च लिखा हुआ है नमाज जो हाफिज साहब उसे बैठे हो जिन्होंने पता है फकुल तुस तक फिर उड़ा पा तुम्हें नौकान अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब मिठिया दस दे अपनी उम्मत सारे जेड़ा बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगा एक तो मैं पुत्र देगा तो दूसरा माल चौखा देगा कुरान शरीफ देगा माल भी के देगा चौखा और पुत्र के देगा बनीन बनीन अमवाल व बनीन मैं मदद करूंगा तुम्हारी मालो दौलत से और पुत्रों से समझ आई है कि कोई नहीं हूँ कहू कहू माल चाहिए हाथ खड़ा करो मैनू तो चाहिए मैनू तो चाहिए अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा पुत्रों से एक किस फरमान किसका है अल्लाह का किसका फरमान है बयान हजूर ने फरमाया अक्सर में ना एक प्रोग्राम जो मैं गया एक प्रोग्राम है मैं गया भाई जी 300 बारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी तो नाम मुहम्मद अली रखना जे पुत्र ना हो कोई औलाद जाना उठे जे ना हो अगले साल से पुत्र मैं रायविंड लै जाए वो बड़ा क्लिप मशहूर होया जो बंदा सी ना वो पुत्र होया पुत्र चुक के ले आया अस्ताने शरीफ अंदरों में निकला तो 11वीं का दिन था रश बहुत था ये आपकी नजर से हुआ और मैं कहा जाओ चलिया मैं आप नखट्टू नकम्मा तेवानू राज नहीं समझ आया मेरा यकीन कामल है सरकार और सरकार फरमा रहे खुदा फरमा रहा है तो मैं मेरा काम है बतलाना फजल करना खुदा और मुस्तफा का मैं तुम्हारी जुतियां थले लगने वाली मिट्टी तुम ही हल्का बचियो मेरे को कख नहीं मेरे बचियो तुम सारे मेरे तो अफजल वाला हो बस ये वादा कर सो 300 और अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी लो जी हूँ एक वादा और करना है एक वादा पीर वाले दिन समझे हो जल्दी जल्दी बोलो समारे समार याद हो क्या दे अपनी जबान ही तुसा दे हाँ सोमवार और जो सोमवार है ना उदो तुसा 313 वारी हर बंदा अपने घर में बाहरों किसी नहीं बना तुहाड़ी बीवी तुहाड़े बच्चे तुहाड़ी भैन तुहाड़ा भाई वालद वालदा अगर है उन्होंने बिठा लेना 313 वारी दरूद शरीफ पढ़ना इब्राहिमी चूंकि इब्राहिमी तुसा जैक संगी हो हुण मैं कोई होर दसा दूर ताज वगैरह वगैरह वो तुसा पढ़ ना सकोगे तू कम जरा है ना ए छोटे से बच्चे को भी मैं बोलूँ दरूद शरीफ नमाज वाला सुना उन्हें फटोफट पढ़ के सुना देना तो किसे तरीके ना मकसद मेरा है लगो सारे अच्छा भाई ये वादा करो हर बंदा सोमवार को अपने घर बुलाना नहीं किसी को दाएं बाएं तो कोई मिठाइया बनानी ये ना 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 अपने घर कपड़ा बिछाना अपनी बीवी बच्चे का दूध पढ़ना 313 वारी कड़ा कड़ा पढ़ सकता या अल्लाह जिन्हें हाथ खड़े किए मेरे मालिक हाथ इन्हें खड़े कर देते फजल तू हाथ खड़े कर
दो, जिन तो पूछूं तो कसर शसर उनको बतला दो, उनके उनके वालिद को बतला दो या उनके घर में कोई भी वली उन बच्चियों का वली समझ हाँ वली मुझे कोई भी भरा हो जावे, चाचा हो जावे, ताया हो जाए, उन्होंने दस दियो कि हर पीर को 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के पानी के दम करके कुड़ियों दो पिला दो, जे जिन रह जाए तो मैं पट्टा पा के दुनिया घसीटा, समझ आ गई है कोई नहीं। हूँ यह ना समझना कि तबीज शरीफ को नहीं दिता, उन्होंने उठ के गल करके जब तुम्हें पता ही नहीं मैं कह दे दिता तो तुम ले जिसे नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ा जाए, तौबा 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 पुत्रा फरिश्ते नहीं बरकत नु संभाल सकदे, तुसों कित्थों ते पाल लै, वादा कर दियो पिंडा लियो करोगे इंशाअल्लाह। चलो जी दो मसले क्लोज हो गए, तीसरा कहड़ा सी, बे औलादां वाला हो गया मसला, मुंडियां वाला हो गया, ना मुहम्मद अली दी नीयत रखनी है, 300 इस तो रोला पड़ने हो गया, तुहाडे इलाके चो ए दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो तो दरूद शरीफ दी बरकत जाहिर हो। अल्लाह पाक ने साफ साफ दो टोक लफ्जों में फरमाया, महबूब जी जेड़ा तेरे ते दरूद पड़ेगा मैनु अपने रब होने की कसम है जो मंगेगा उन्हें देगा। लो गल मुक गई हुण, अच्छा लो जी हजरत साहब किबला मेरे आका मेरी जान आप पर कुर्बान, हजरत साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, बेहद शुक्रगुजार, और उस शुक्रिया की वजह यह है सबसे बड़ी कि इन्होंने मेरी इज्जत और तौकीर की जबकि मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी दरख्वास्त पेश की, मेरी अक्सर एक आदत है कि मेरा नाम ना लिया जाए, तो कोई के लिख देता है, कोई मैं कश्मीरी लिख देता है, कोई मैं चकड़ालवी लिख देता है, कोई लिख, तो मैं ना ना कोई भी लिया जाए, तो हजरत ने मेरी इस रिक्वेस्ट को और इस दरख्वास्त को भी मकबूल किया, फिर इन्होंने मेरे लिए जो कलमात कहे असल में ये खुद अच्छे हैं। असली बात यह है इंसान अलमरु यकीसु अला नफसे ही, इंसान का अपना मन साफ होता है उसको सारे ही पाक नजर आते हैं, तो ये खुद अच्छे हैं अजमत वाले हैं, अल्लाह इनकी दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी करे, और इस मजमे में बैठे हुए मर्द और जवान बूढ़े और जो छोटे छोटे बच्चे हैं दाएं बाएं जिनको तारों से डराया है, उन सब पर भी मुझ पर भी आप पर भी अल्लाह फजल फरमाए। मेरे जितने साथी दूरों नजदीक से आए हैं मैं एक एक को सलाम करता हूँ, मैं वक्त की किल्लत की बिना पर सब दोस्तों से अपना साफा नहीं कर सकता, तो मुझे माफ करना और मेरे लिए दिल से दुआ करना, मैं आपके लिए दिल से दुआ करूंगा अल्लाह अगले साल में इस महफल से भी ऊंगा महफल करने की तौफीक अता फरमाए, और आज की जो महफल है अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उसे कबूल फरमाए। मेरे भाई का आना, मेरा हाजिर होना, हजरत साहब किबला की कोशिश हो काबिज, जरा किबला आप जो तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए, ये सोहनिया पगड़िया वाले ये तुसो अल्लाह तुहानू इस तरह दे, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहानू आला हजरत दे तुसो बुल बुलाओ, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी मैं बोला जी जा रही है, हूँ उठना नहीं, नसना नहीं, दौड़ना नहीं, तो और कोई संगीत उन्हें सुनी जी आवाज वाला आ जा सी और तुम शेर शुरू भी सुना सी वह माफ कर, बहुत राजी रहना और खता गलती हो माफ कर, दिल से दुआ करूंगा दरूद शरीफ वाली बात सुनिए, बहुत शुक्रिया जी जी आज पूरा करो तो चुप बहुत शुक्रिया रसी साहब तशरीफ लाओ, भाई जुल्फकार साहब तुम भी तशरीफ लाओ माइक से, महफिल इख्तिताम तक पहुँच चुकी है, हाफिज मोहम्मद इमरान आसिफ साहब की खुशबू जिना चाहती है वो जनाब उमैर अलामा मौलाना नौजवान मुकर्रर अलामा उमैर आसिफ साहब, जुल्फकार भाई तुम माइक लो, हाजिरी पेश कर लो, उस तो बाद फिर खिताब शुरू करें।